और तथागत बुद्ध भगवान ने जो यहाँ जो उपदेश दिया, तो सबसे पहले सटे जो वैशाली जिला था, सबसे पहले वहाँ लोकतंत्र की स्थापित करते हैं। सर, बिहार में नौजवानों को जोड़ने के लिए क्या अच्छा विकल्प हो सकता है? विकल्प क्या, हम लोग तो बीएसपी के साथ जुड़े हैं माननीय अनिल कुमार जी के नेतृत्व में, कभी कैडर क्लास नहीं हुआ था। आपको क्या लगता है, बहुजन समाज पार्टी देश में सबसे बेहतर काम कर रही है या भीम आर्मी? बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों का आंदोलन है, इस आंदोलन से बेहतर कोई पार्टी या कोई संगठन काम नहीं कर सकता है। रेडी, नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने चैनल एट द रेट प्रज्ञा टाइम्स में। और आज मैं बिहार में, बिहार के राजगीर जिले में मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण जो है कि लगा हुआ था और काफ़ी लोग पूरे बिहार से लोग यहाँ पे आए हुए थे। बिहार के लगभग प्रत्येक जिले से लोग आए हुए थे और जो पड़ोसी राज्य हैं झारखंड और उत्तर प्रदेश, वहाँ से भी बहुत सारे लोग आए हुए थे और यहाँ 3 दिवसीय बहुत ही सुंदर जो है कि प्रशिक्षण चला बहुजन समाज पार्टी का। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रशिक्षण लेने वाले बहुत सारे लोग खड़े हैं, हम इनसे कुछ सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि इन्हें उस प्रशिक्षण से क्या लाभ मिला। सर, आप सब यहाँ पे खड़े हैं, मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, 3 दिवसीय यह प्रशिक्षण आप लोग के यहाँ चला और काफ़ी खर्च आया होगा और बहुजन समाज पार्टी ने अब प्रशिक्षण बिहार में शुरू कर दिया, प्रशिक्षण का कारण क्या है यहाँ पे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है यह कार्यराज पार्टी है और विचारधारा की पार्टी है जी। और अपनी विचारधारा को लागू करने के लिए आज बहुजन समाज पार्टी ने 3 दिवसीय यहाँ कार्यक्रम किया जी। और देखिए, बहुजन समाज पार्टी का विचारधारा साफ साफ है, इसको कोई समझे या ना समझे, यह महात्मा ज्योतिबा फूले, तथागत बुद्ध, पहले उनसे भी पहले जाइए, तथागत बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम, हम लोग देखिए बहुजन समाज पार्टी का जो अभी कैडर मिला है, हम लोग चाहते हैं कि ये लोग जो थे हमारे जो महापुरुष थे, इस देश में समता मूलक, समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व के आधार पर, इंसान इंसान से भाईचारा हो, इसके आधार पर देश में भाईचारा पैदा करके सरकार बना करके इस देश में सबको समान रूप से अधिकार देने का काम करने के लिए जो अभी प्रशिक्षण हुआ है, इसमें हम लोग को यही बताया गया, इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा जी। यदि हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो लगभग बहुजन समाज पार्टी प्रत्येक चुनाव बिहार प्रदेश में लड़ती है और वर्षों से लड़ती हुई आ रही है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा सफलता हासिल नहीं हुआ, इस प्रशिक्षण से क्या कोई बड़ा लाभ होने जा रहा है सर? देखिए, मैं पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं राम इकबाल राम, प्रदेश सचिव, बसपा बिहार सेक्टर इंचार्ज सेक्टर नंबर 2 का मैं प्रभारी हूँ। जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण जो राजगीर में हुआ है, यह राजगीर जो है ऐतिहासिक धरती है, सम्राट अशोक की धरती है और तथागत बुद्ध भगवान ने जो यहाँ जो उपदेश दिया, तो सबसे पहले सटे जो वैशाली जिला था, सबसे पहले वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई और इस प्रशिक्षण से हमें यह संदेश मिला कि हमने जो 108 वर्षों का जो इतिहास रहा, महात्मा ज्योतिराव फूले, साहू जी महाराज, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और मानवर कांशीराम सावर मान्य बहन कुमारी मायावती जी ने जो अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ा, उनके सपना को साकार करने के लिए जो आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैली हुई है और इस प्रशिक्षण में संकल्प लिया कि अगले जो 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है, तो उसमें बिहारी ने ठाना है बहन कुमारी मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इस प्रशिक्षण शिविर में लगभग बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इसमें बहुत से नौजवान लोग मौजूद हैं और अभी बहुजन राजनीति की बात की जाए तो बहुजन राजनीति में लगभग अब 2 हिस्से में बहुजन राजनीति बढ़ने जा रही है, एक भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी। लेकिन यहाँ पे एक नौजवान हमारे साथ खड़े हैं, सर आपको क्या लगता है, बहुजन समाज पार्टी सही या भीम आर्मी? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुजन समाज पार्टी का कैमूर जिला का जिला प्रभारी जी।
आप जितना पूछते हैं उतना ही बताते जाएंगे ना। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी देश में सबसे बेहतर काम कर रही है भीम आर्मी? बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों का आंदोलन है, इस आंदोलन से बेहतर कोई पार्टी या कोई संगठन काम नहीं कर सकता है। जी जी, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप बिल्कुल नौजवान हैं और नौजवानों का जो बहुजन समाज का रोष है वो कहीं ना कहीं भीम आर्मी की तरफ बहुत ज़्यादा है, इसका कारण क्या है? कि कुछ बच्चे हैं जो दिग्भ्रमित हैं, दिग्भ्रमित बच्चों को समझाया जा रहा है, उन्होंने समझा कि बाहर के जाकर के आंदोलन करने में केस मिलती है, नौकरी करने में परेशानी होती है, समाज विखंडित होता है, समाज में दुराव पैदा होता है। इन बातों को समझ करके हमारे समाज के युवा अब बहुजन समाज पार्टी की तरफ रुख कर चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में पहुंचाने के लिए भी मन बना चुके हैं। जिस जादू को लेकर के भीम आर्मी ने नौजवानों को भ्रमित कर लिया है, उस वह जादू का इस्तेमाल बहुजन समाज पार्टी क्यों नहीं करती नौजवानों को अपने पास लाने के लिए? बहुजन समाज पार्टी से बेहतर कोई जादू नहीं चलाता। इसमें बहन जी जमीन पे आंदोलन करती हैं, अभी आकाश आनंद जी माने और आकाश आनंद जी जमीन पे आंदोलन कर रहे हैं, हमारे सांसद राम जी गौतम साहब आंदोलन कर रहे हैं, हमारे दादा सांसद हैं लोकसभा में वो आंदोलन कर रहे हैं, और जमीन से बूथ से लेकर के प्रदेश इकाई तक लगातार आंदोलन कर रही है, उनसे बेहतर काम कर रही है और इसका परिणाम बहुत कम समय में आपको दिखने को मिल जाएगा। जी, एक और मैं क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहूँगा सर, बिहार में बहुत सारी जगह है, बहुत सारा मीटिंग हॉल है, ये मीटिंग राजगीर में ही करने का क्या कारण है? राजगीर से हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, जिनका यह गृह जिला है, और उनकी कब्र खोदने के लिए उन्हीं के दरवाजे पर जाना हमने बेहतर समझा। जी, तो आप सब देख सकते हैं यह जो है कि बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे बहुत ही सुंदर कैडर क्लास चला और सर कैडराइज हुए हैं और तमाम और भी जिले के लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं और आपसे मिलाने का प्रयास करते हैं। अमर आजाद जी, आजाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप इनको जरूर देखे होंगे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में, पासवान जी हैं। जी, ये पासवान समाज से बिलोंग करते हैं और इनसे हम बातचीत करते हैं। सर, बिहार में नौजवानों को जोड़ने के लिए क्या अच्छा विकल्प हो सकता है? विकल्प क्या, हम लोग तो बीएसपी के साथ जुड़े हैं माननीय अनिल कुमार जी के नेतृत्व में, कभी कैडर क्लास नहीं हुआ था बीएसपी का, तो हम लोग धीरे धीरे सब इस तरह से राजगीर में हुआ है, यहाँ बुद्ध ज्ञान की बुद्ध की धरती है, नालंदा जिला से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ से पूरे गांव-गांव तक मैसेज आएगा। अभी हम लोग आंदोलन भी करेंगे और जो दलित पिछड़ों की वर्तमान समस्याएँ हैं, जो राजनीतिक सामाजिक समस्या है, उत्पीड़न है, उस विषय पर हम लोग समाज के बीच में जाकर के लोगों को जोड़ रहे हैं, युवा भी भारी संख्या में जुड़ रहे हैं और आगे हम लोग जो सामाजिक न्याय की बात है, संविधान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत पर हम लोग आगे चल रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और बसपा आगे बढ़ रही है। एक हमने देखा है आपको जहाँ तक आप नौजवानों का नेतृत्व बहुत ही अच्छा किए पहले भी, आज हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लगभग जितने सारे लोग हैं 30 से प्लस वाले बहुत ज्यादा जनसंख्या में है और कम उससे कम आयु के लोग बहुत कम संख्या में, कारण क्या है सर? कारण क्या, देखिए कैडर कैंप हुआ है, युवाओं का भी बहुत सारा एग्जाम है अपना करियर को लेकर के, 3 दिवसीय प्रोग्राम है और युवा सबको तो हम लोग जोड़ेंगे आंदोलन में ना, आंदोलन जो रैली होगा उस समय उन लोगों की सहभागिता ज़्यादा होगी, जब सड़कों पे आंदोलन होगा सामाजिक न्याय के लिए, छात्रवृत्ति के लिए, धीरे धीरे सब लोग आएंगे, सब लोग जुड़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। युवा भी देख रहे हैं, इतना सब युवा ही नज़र आ रहा है, युवा ही है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा सर, जो बिहार का जो अब तैयारी हो रहा है, क्या लोकसभा चुनाव को लेकर के हो रहा है क्या? लोकसभा विधानसभा का चुनाव है तो यहाँ हम लोग चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते, इसके लिए अभी सही प्रयास किया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है। आपने सर समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।